और यहाँ का मुख्य पूजा स्थल यही है, पैना माँ के नाम से यहीं पर पूजा किया जाता है और गुफा के अंदर में पूजा किया जाता है। तो मेरे पास सन 1991 से लेकर अभी तक का सारा डिटेल फोटो है। और झारखंडी एक्चुअल में प्योर झारखंडी उसी को कहा जाता है जो पर्यावरण की ही पूजा करती है। चढ़े हैं और लोग चढ़ रहे हैं तो हम लोग भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन पर्यावरण को किस तरह बचा कर रखना है उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी दिया जाता है और जागरूक किया जाता है। तो देखिए इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग आए हैं बेती, और ये बेती है और मांझी से 20 किलोमीटर दूरी पर ये बेती है और देख सकते हैं यहाँ पर इंटेंस बना हुआ है। और कुछ दूर आगे चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कैसे मेला लगा है, और एक पैना पहाड़ है जिस पर आप लोग को दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या है, सभी चीज़ों को आप लोग को डिटेल्स दिखाएंगे, घूम फिर के दिखाएंगे। हालांकि पहाड़ बहुत ऊँची है लेकिन हम लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रास्ता कुछ खास नहीं है, आप लोग देख सकते हैं एक बार इधर देखिए, इधर काला रोड है तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ से बेती जब अंदर घुसने लगते हैं जहाँ से ये मेला का जो मुख्य द्वार शुरू होता है तो यहाँ से बिल्कुल ही ख़राब है। आप अगर बोर्ड देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, और यहाँ पर देखिए मुख्य अतिथि माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, यानी कि अर्जुन मुंडा आज यहाँ पर आने वाले हैं इस मेला में। तो देखते हैं कब आते हैं, अगर वैसा मौका मिलता है तो आप लोग को दिखाएँगे अर्जुन मुंडा को भी। तो चलिए आप मेला तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कैसे कैसा तैयारी किया गया है और मेला कैसा लगता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से दिखाई दे रहा है पैना पहाड़, देख रहे हैं बहुत दूर में एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो छोटा सा नहीं है, दूर होने के चलते छोटा आप लोग को लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन हम लोग जब आँखों देखा देख रहे हैं तो काफ़ी ऊँची पहाड़ है और कैसे चढ़ेंगे वैसा लग रहा है। तो यही रास्ता है और काफ़ी एकदम पुराना ये रास्ता है और इसमें डेवलपमेंट होना बाकी है क्योंकि ये जंगल एरिया है, तो उतना खास अभी तक रास्ता भी नहीं बना है, लेकिन वहाँ पर लोग अभी पूजा करने के लिए जा रहे हैं, सुबह का समय है और शाम होते होते बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो चलिए अब सामने से दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरह से मेला लगा है। दोस्तों जैसे ही हम लोग जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिए मेला स्थल की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पैना पहाड़ की ओर, बाद में मेले की ओर आएंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पैना पहाड़ और देख सकते हैं पहाड़ में कितनी ऊंचाई है, और वाकई में बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। कुछ लोग तो उतरते उतरते पूरा पसीना आ रहा था और पैर भी कांप रहा था, तो इतना खतरनाक यहाँ पर रास्ता होने वाला है। तो अभी हम लोग चढ़ेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग को बता दें कि पूछने से पता चला कि यहाँ पर सभी जितने भी देवी देवता हैं सभी का इसके जो है पहाड़ के ऊपर में कहीं पर एक जगह स्थान है जहाँ पर भगवान खुद प्रकट हुए हैं, और इसीलिए लोग यहाँ पर पूरी आस्था से पूजा करने के लिए आते हैं। बाकी दिन भी आते होंगे लेकिन आज 5 जून है तो 5 जून में यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है और इसी के नाम पर लोग स्पेशल यहाँ का भी दर्शन करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और अभी काफ़ी धूप का समय है लेकिन भी देखिए कितने लोग ऊपर जा चुके हैं और ऊपर से भी आ रहे हैं, और बहुत से लोग पूजा करके वापस भी जा चुके हैं। और एक बात यहाँ कहा जाता है कि यहाँ भगवान का दर्शन करने से हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है और इसीलिए लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। तो चलिए अब सीधे आप लोग को पहाड़ के ऊपर लेकर चलते हैं और कैसा रास्ता है वो भी दिखाते हुए चलेंगे, और कौन सी जगह है आप लोग को वहाँ तक भी लेकर के दिखाएँगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर चढ़ाई करने का रास्ता कितना भयानक है और बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। देख सकते हैं पूरा पत्थर उबड़ खाबड़ है, पूरा पत्थर इसी तरह से ऐसे है, देख सकते हैं ये पत्थर को देखेंगे तो ये पूरा हिल डुल रहा है, अगर थोड़ा सा भी पैर अगर फिसला इधर उधर तो सीधे आप गिर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है। तो देखिए कितना खतरनाक यहाँ पहाड़ है और पूरा चढ़ावन ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम खड़ी चढ़ावन है, और अगर जिन लोग को बीपी है या जिन लोग को थोड़ी परेशानी है, तबीयत ख़राब है, वे लोग का इस पर चढ़ाई नहीं करना चाहिए। और देख सकते हैं कितना बड़ी चढ़ावन है, हालांकि लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग भी इस चढ़ाई इस पहाड़ पर चढ़ जा रहे हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए। तो देखिए सामने दिखा एक बार रास्ता देखिए, रास्ता कितना खतरनाक है और बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है क्योंकि पहाड़ जंगल में है, तो जंगल के बीचों बीच में रास्ता कैसे ठीक हो सकता है। फिर भी लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं।
तो देखिए जितेंद्र जी आ रहे हैं, हम लोग साथ में आए हैं और काफ़ी चढ़ान ऊपर तक चढ़ चुके हैं और बहुत ऊपर अभी भी चढ़ना है। और देख सकते हैं सामने दिखा जितेंद्र को, पूरा पसीना पसीना हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग काफ़ी ऊंचाई चढ़ाई कर चुके हैं और नीचे आप लोग देख पाएंगे कि हम लोग लगभग 1 किलोमीटर ज़्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं और लोगों का कहना है कि और 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, तो काफ़ी ऊंचाई पर अभी हम लोग चढ़ेंगे। तो काफ़ी हम लोग थक चुके हैं, फिर भी जब इतना दूर चढ़े हैं और लोग चढ़ रहे हैं तो हम लोग भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। और तो काफ़ी ये रास्ता उबड़ खाबड़ है और बिल्कुल भी सही नहीं है, लोग इसी तरह बस आते जाते हैं। यहाँ पर रास्ता बन गया है, झाड़ी उड़ी साफ़ करके रास्ता बनाए हैं, तो इसे चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हम लोग को ही नहीं, बाकी सभी लोगों को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। और वाकई में इतना ज़्यादा परेशानी भरा ये रास्ता है, लेकिन भी लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए। तो और लगभग 1 किलोमीटर है, तो देखते हैं कैसे चढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ चढ़ाई करते करते इतना मेरा गला सूख चुका है कि आप लोग से बातें भी नहीं कर पा रहे हैं, तो पानी पी पी के हम लोग बातें कर रहे हैं। फिर भी चलिए, और कितना दूर है अभी तो अंदाज़ा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग पहली बार आए हैं। और फिर भी यहाँ के लोगों का कहना है कि और 1 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो चलिए आप सीधे ऊपर और चढ़ते हैं और फिर आगे का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग पैना पहाड़ चढ़ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ कितने आस्था से लोग ऊपर पूजा कर रहे हैं। हम लोग जब आ रहे थे उस समय 2 ही 4 लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे उसके चोटी पर आए, इस पहाड़ की चोटी पर ऊंचाई पर, देख सकते हैं कितने लोग पूजा करने के लिए आए हैं और सभी भक्तगण हैं। और इसे पैना माँ के नाम से जाना जाता है और पैना माँ के नाम से हर एक जगह पूजा होता है, देख सकते हैं। हालांकि आप लोग को बजरंग बली का हर जगह मंदिर दिखाई देगा, हर जगह पत्थर दिखाई देगा जहाँ पर लोग आस्था से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्या बोले, पहाड़ है तो पहाड़ में देखिए हर तरफ चट्टान ही चट्टान दिखाई दे रहा है। अभी तक यहाँ मंदिर बना हुआ नहीं है, हालांकि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। और देखिए ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, जैसे चलने के लिए शेड वगैरह कुछ भी अभी बना हुआ नहीं है। और यहाँ लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इस जगह को बनवाया जाए, क्योंकि इतना लोग का यहाँ पर आस्था जुड़ा हुआ है और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए इतना लोग आते हैं, हालांकि आज 5 जून है, लेकिन बाकी दिनों में भी यहाँ पर लोग आते हैं और पूजा करते हैं हर एक दिन। जैसे लोगों से बात करने से पता चला कि हर रोज़ सालों भर यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए इसी तरह का भीड़ देखने को मिलती है। तो अभी तो खैर बहुत समय हो गया, धूप भी हो गया है, तो बहुत से लोग पूजा करके जा चुके हैं और मेला के चलते आज थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ दिखाई दे रही है। और आज स्पेशल देखिए यहाँ पर इतना सारा सुविधा दिया गया है, कुछ लोग अगर जैसे कि पानी हो गया, पूजा का सामान सब ऊपर ही मिल जा रहा है। तो आइए अब आगे चल के दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर पूजा किया जा रहा है और कितने लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। 40 रुपीस। तो आप लोग को बता दें कि पैना पहाड़ जो है ये अभी जहाँ पर हम लोग अभी हैं और यहाँ का मुख्य पूजा स्थल यही है, पैना माँ के नाम से यहीं पर पूजा किया जाता है और गुफा के अंदर में पूजा किया जाता है। और जो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 फीट गड्ढा यहाँ पर गुफा है, वहाँ अंदर जा के लोग पूजा कर रहे हैं और देखिए नीचे पूजा किया जा रहा है। और कितना गड्ढा अंदर में, तो ये पैना माँ का ही पूजा किया जा रहा है। तो कभी आप लोग यहाँ आइए और यहाँ पर भी आप लोग दर्शन करके जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा से पूजा करने के लिए आते हैं।
दोस्तों, इस पहाड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग को मालूम नहीं है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, उन लोग को ज़्यादा मालूम होगा। तो इस पहाड़ के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं अरशद खान, जो कि इस जगह के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। अरशद जी, बताइए कि इस जगह मतलब कब से प्रचलित हुआ और कब से यहाँ पर पूजा किया जाता है? हालांकि हम लोग बहुत लोग से पूछे लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं मिला। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा लंबी कहानी आएगी, ठीक है? ये कहानी थोड़ी लंबी होगी, दिल थाम के बैठिए। तो बात ऐसा है कि सन 1991 से पहले झारखंड के लोग जो है वो प्रकृति से प्रेम रखते हैं, पूजा पाठ होते चला है, ठीक है? उससे पहले की नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन सन 1991 में ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, जो हरी भरी पहाड़ है, अभी आप अगर ड्रोन उड़ाइएगा ना तो आपको पूरा हरा भरा दिखेगा, ठीक है? लेकिन उस वक्त अगर आप ड्रोन उड़ाते खाली आपको पत्थर दिखता। तो सन 1991 में ये स्थिति था। तो मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोविड के चलते उनके देहांत हो गए थे। तो 1991 में वो और बेती गांव के, ओबर गांव के कुछ लोग थे, मिल के एक वन भोज की तैयारी किए। तो वन भोजों में उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएं कहाँ, तो उन्होंने इस जगह को बस ऐसे छांट लिया था। तो यहाँ पे आए तो देखे कि नहीं, यहाँ पे तो पूरा बंजर है। तो आसपास की जगह में से सबसे ऊंचाई? जी हाँ, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, आसपास में सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है? और पूरी बंजर थी। तो उस वक्त ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति का निर्माण हुआ था उसी वक्त, ठीक है? तो उस वक्त निर्माण हुआ, एवं जो हमारा उस वक्त संस्था चलता था, मेरे पिताजी का संस्था चलता था, एग्रेरियन असिस्टेंट एसोसिएशन ट्रस्ट, AAAT के नाम से वो संस्था चलता था। तो मेरे पिताजी का नाम अब्दुल असफंदियार खान है, लेट अब्दुल असफंदियार खान। तो उनके तत्वाधान में ये मेला शुरू हुआ, जिसमें सारे ग्रामीण जो हैं वो लोग सहयोग किए। उस वक्त 2 रुपये चंदा होता था, मात्र दो रुपये चंदा होता था। देखिए, हम उस वक्त के उतने जानकार नहीं है, लेकिन आप जाइएगा इसी मेले में, जो मेला के संरक्षण समिति लोग हैं, जो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, उन लोगों से आप जब पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे कि उस वक्त 2 रुपये चंदा था, ठीक है? और अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो अगर डिटेल मिलना चाहते हैं, तो मेरे पास सन 1991 से लेकर अभी तक का सारा डिटेल फ़ोटो है। चलिए, बहुत अच्छा रहा कि यहाँ के ग्रामीण इतने सचेत हुए, मतलब सजग हुए, कि आज के डेट में आप इस पहाड़ में हरी भरी हरियाली आप देख रहे हैं, ठीक है? और हम चाहेंगे कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, कम से कम अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ लगाए, ज़्यादा नहीं, ठीक है? 5 पेड़ लगाए, काटे ना, अगर एक काट रहे हैं तो दो लगाए। तो दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है, तो भैया जो हैं इसी बात को रख रहे हैं कि कम से कम 5 पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए। और इस पहाड़ की बात की जाए तो जैसे जगह जगह पूजा हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर देखे कि एक भी मंदिर वैसा बना हुआ नहीं है। अच्छा। फिर रास्ता भी देखे बहुत संकरा रास्ता है, हाँ। लोग किसी तरह चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। मैं इसकी भी आपको थोड़ा सा ये करता हूँ। और उसी वक्त यहाँ पे एक पेड़ था, वो देखे मर गया है, हाँ। वो दिख रहा है ना, वो पेड़ मर गया है, मर गया वो पेड़। उस वक्त अच्छा खासा हरा भरा था, ठीक है? वो पीपल का पेड़ है, ठीक है? हम आपको पेड़ का भी नाम बता दे रहे, वो पीपल है, पीपल का पेड़ है, और वो हरा भरा हुआ करता था। उसी पेड़ के नीचे सिर्फ पूजा होता था, ठीक है? उसी पेड़ के नीचे ही सिर्फ पूजा होता था। आज देखिए, हमको लगता है लगभग 10-12-15 जगह तो पूजा होता है, ठीक है? वहाँ पर भी देखिए, हाँ, नहीं, एक तरह से बहुत अच्छा है, लोग सचेत हो रहे हैं पर्यावरण के प्रति, अपनी मतलब क्या बोलते हैं, दिल से ये है कि नहीं, पर्यावरण को हम पूज रहे हैं। और झारखंडी एक्चुअल में प्योर झारखंडी उसी को कहा जाता है जो पर्यावरण की ही पूजा करती है। अभी यहाँ पर देखते हैं जितिया पूजा होता है, करम पूजा होता है, यानी कि वो लोग क्या है, प्रकृति का ही पूजा है ना, सरल पूजा होता है, प्रकृति का ही पूजा। बस तो वही जी, हम भी बोल रहे हैं कि झारखंड के लोग प्रकृति प्रेमी हैं, ये लोग प्रकृति को ही पूजते हैं,
और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं जो वीडियो बना के, तो ये सब जरूरी है, देखिए लोगों को पता चले कि हमारे झारखंड में भी इस तरह का चीज है और इस जगह को जाने लोग। बहुत देखिए आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, आप लोग लगे रहिए, एक दिन आप लोग, हम आपके व्यूवर्स से अनुरोध करेंगे कि इतना सब्सक्राइब कीजिए ना इनको कि ये गोल्डन के डायमंड बटन तक पहुंचे, ठीक है। देखिए ये लोग रियलिटी, मतलब इसलिए हम करने बोल रहे हैं, ये नहीं कि ये लोग कोई ये कर रहे हैं, हम इसलिए कि ये लोग ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखा रहे हैं, हम इसलिए इन लोगों को हम प्रमोट करने बोल रहे हैं, क्योंकि आप इन लोगों को प्रमोट कीजिएगा तो ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। आप ऊपर ऊपर हवा हवा में बहुत कुछ दिखता है, फिल्म में बहुत सा तरह का कट करके और सीन दिया हुआ रहता है, वो सब दिखाना कोई बहुत काल्पनिक नहीं देखना है, जो प्रकृति से रिलेटेड एकदम ज़मीनी स्तर का चीज़ है उसे आप दिखा रहे हैं। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि इतना सब्सक्राइब ठोकिए और इतना लाइक ठोकिए कि जानते हैं एकदम सीधे डायमंड प्ले बटन तक जाए। माइक में खुलेआम बोलते हैं ये झारखंड का पहला ऐसा मेला हुआ करता था, अभी हो सकता है एक दो को लगता है, ठीक है, पहला ऐसा मेला हुआ करता था जो पर्यावरण दिवस के तौर पे मनाया जाता था, और अगर आप दिखा दीजिए एक साल दो साल पहले दिखा दीजिए एक भी मेला, ठीक है, तो हम मान जाएंगे। पर्यावरण दिवस के तौर पे पर्यावरण के लिए 5 जून को मेला के तौर पे हम बोलते हैं सिर्फ यही एक मेला है जो लगता है, और 1991 से लगता है और अभी तक लगता आ रहा है। इन साल सन 2023 में एक और मेला लग रहा है हमारे दिशा में, ठीक है, एक और मेला लग रहा है मेरी जानकारी में है। अब इतना बात करके हम धन्यवाद बोलते हैं अपने आपके व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को, सभी को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया इस मेला के बारे जानकारी लिए, और इस मेला के चारों तरफ जितने गांव हैं, ठीक है, मैं सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है, सबों का धन्यवाद करते हैं। चलिए झारखंडी जोहार। तो इतना सारा जानकारी देने के लिए खान जी को धन्यवाद बोलते हैं, और ये आशा करते हैं कि अगली बार जब हम लोग आए तो यहाँ पर ज़्यादा सुविधा देखने को मिले, क्योंकि अभी तो बहुत ना के बराबर सुविधा है, लेकिन जब अगली बार आए तो तब तक बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव हो जाने चाहिए, ये आशा करते हैं। कोशिश किया जा रहा है, हम लोगों ने विधायक जी को ये भी कहा है कि यहाँ पे कम से कम जो ऊपर चढ़ते हैं इनके लिए एक पैदल पथ का निर्माण किया जाए, ठीक है, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है, अब देखिए वो प्रस्ताव कहाँ तक आता है, ठीक है, अब जब बन जाएगा तभी हम बोलेंगे बन गया, अभी नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इतनी जानकारी देने के लिए फिर से धन्यवाद। जोहार। आप लोग का अभी जो वीडियो दिखाया है, इससे पहले देखिए पहाड़ जो दिखाई दे रहा है ऊपर में वो है पैना पहाड़, वहाँ का वीडियो दिखाया है, और इसके जस्ट नीचे इस गांव में देखिए बेती गांव है, और इसमें मेला लगता है, इसके पहाड़ के नीचे ही मेला लगता है, जंगल इसके किनारे है और यहाँ पर मेला लगता है, और ये पहाड़ के बीचों बीच में लगता है, और देखिए कितना बड़ा मेला है लगने वाला है। फिलहाल अभी भीड़ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगा बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे और भीड़ बढ़ती जाएगी। तो एक बार देखिए चारों तरफ दिखाते हैं किस तरह का भीड़ है, हालांकि यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी आने वाले थे लेकिन अर्जुन मुंडा अभी तक नहीं आए हैं, तो कुछ मेहमान का भी आगमन हो चुका है, लेकिन इतना ही समय देखिए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं तो यहाँ कितना बड़ा मेला लग सकता है, कितने लोग यहाँ पर आते होंगे। तो एक बार चारों तरफ एक बार दिखाते हैं आपको, एक बार देख सकते हैं चारों तरफ कि लोग कितने ज़्यादा यहाँ तक आए हैं और भी कितने लोग आने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत से लोग आए हैं, और जैसे ही शाम होगा, क्योंकि धूप का समय है तो जैसे शाम होगा उसे शाम के समय में और भी लोग आएंगे, और ये जो मैदान दिखाई दे रहा है नीचे आप लोगों को खाली मैदान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पूरा खचाखच भीड़ हो जाएगी। तो दोस्तों आज इस मेला के बहाने, बेती मेला के बहाने आप लोग को पैना पहाड़ का वीडियो आप लोग को दिखाने की कोशिश किए, और मेला कैसा लगता है वो भी आप लोग को दिखाया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।